प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली बार एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आंदोलनजीवी। कल फिर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन विपक्ष की आलोचनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री लगातार आंदोलनजीवियों की पोल खोल रहे हैं। अधिरंजन अब ज्यादा हो रहा है, अधिरंजन प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। जिम्मेवारियां लेनी चाहिए। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल दे, खेल बे बिगाड़ब। मौका था लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने का, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे कथित आंदोलन जीवियों पर अपनी दूसरी स्ट्राइक के लिए चुना। आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलन जीवी पैदा करते। ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सोमवार को राज्यसभा में पहली बार एक नए शब्द से देश को रूबरू करवाया था, आंदोलन जीवी। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। विरोधियों ने इसे किसान आंदोलन पर निशाना माना, और तब से ही भारत की राजनीति इसी शब्द के इर्द गिर्द हो रही है। एक मिनट, बोल दिया ना, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। इसकी झलक लोकसभा में देखने को मिली जब प्रधानमंत्री के डेढ़ घंटे के भाषण में तकरीबन 8 बार हंगामा हुआ। हंगामे के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और देश को बताया कि क्यों आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों में फर्क होना चाहिए, कैसे आंदोलन जीवी किसान आंदोलन को अपवित्र कर रहे हैं, और क्यों सभी दलों को आंदोलन जीवियों का विरोध करना चाहिए। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है, और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री का सीधा निशाना 26 जनवरी को हुई वो हिंसा थी जिसमें आंदोलन के नाम पर देश ने अराजकता देखी, तिरंगे का अपमान झेला। जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगावाद लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं। पिछले 75 दिनों से 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब आंदोलनकारियों पर टोल प्लाजा में तोड़फोड़ के आरोप लगे। विरोध के नाम पर पंजाब में मोबाइल टावरों को भी निशाना बनाने का इल्जाम लगा जिसने शांतिपूर्ण आंदोलन के दावे को फीका कर दिया। इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं। जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है क्या? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बार फिर किसान मंडियों की पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का आश्वासन दिया, MSP पर भी बयान दिया, और किसानों को आंदोलन जीवियों के झूठ से दूर रहने को कहा। मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है?
आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। प्रधानमंत्री का सारा जोर इस बात पर था कि कृषि बिल पर विपक्ष असली मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। राहुल गांधी ने पीएम का भाषण सुना लेकिन वो बीच में ही सदन छोड़कर चले गए। ऐसी कंफ्यूज पार्टी। लेकिन लोकसभा में आने से पहले राहुल गांधी ने पीएम के आंदोलन जीवी वाले बयान पर ट्वीट करके तंज कसा। क्रोनी जीवी है जो देश बेच रहा है वो। दरअसल इस बार के बजट में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम की इकाइयों और सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी को बेचने का ऐलान किया है। ये ट्वीट उसी फैसले को लेकर था, मगर प्रधानमंत्री ने ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म का अपने ही अंदाज में बचाव किया। टॉकिंग द राइट थिंग, इसकी वकालत करने वाले जब डूइंग द राइट थिंग की बात आती है तो उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। ये चीजों को सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं, अच्छा करने में उनका भरोसा ही नहीं है। पिछले तीन दिनों में अगर प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान से सुने तो ये कहा जा सकता है कि कृषि कानून को लेकर सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली। यानी फिलहाल ना तो आंदोलन खत्म होगा और ना ही आंदोलनजीवी जैसे नए शब्दों का नामकरण। आज तक ब्यूरो।